जाना वो कब्र में दफनाना याद आता है अम्मा। आइए एक खूबसूरत सा मतलब और आप तक पहुंचा रहा हूं, बतौर खास मिजाज आप सबका बना हुआ है, पेश कर रहा हूं यहां से मतलब बतौर खास समाज फरमा लें जी इरशाद अली। लाजवाब 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 है, 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 लाजवाब है कि कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो ना माने उस पर अजाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी वो नबी नबी बोलेगा, पेश कर रहा हूँ समाज फरमा लें कि है रब का दुलारा नबी नबी, आवाज कमजोर है, है रब का दुलारा नबी नबी, कुरान का पारा नबी नबी। थोड़ा सा जुड़ जाए यार, मुशायरे से जुड़े आप सब कभी कभी अपने में मशगूल हो जाते हैं, थोड़ा सा जुड़े इंशाल्लाह। मैं मुझे मालूम है कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, कहाँ तक मैं आप तक पहुँच सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं आप तक कब पहुँच जाऊँगा, वो सब मैं करना जानता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ अच्छे शेर पहले आपको सुना दूँ, पेश कर रहा हूँ सुने। है रब का दुलारा नबी नबी, है रब का दुलारा नबी नबी, है रब का दुलारा नबी नबी, कुरान का पारा नबी नबी, कुरान का पारा नबी नबी, महशर में सहारा महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, वो अरब का खिलता गुलाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। पहुंचा रहा हूं, बहुत अच्छा माशाल्लाह सुन रहे हैं, पेश कर रहा हूं इन्हीं मोहब्बतों के साथ, सुने ऐसे ही सुने मजा आएगा, हाजिर करता हूं सुने। के गजा के मुजाहिद का कहना क्या कहना, क्या कहना, शरीक होइए जितने लोग इस ईमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़िबला अव्वल हमारे ईमान से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो मेरा साथ देंगे, हाजिर करता हूँ सुने। के गजा के मुजाहिद का कहना है क़िबला अव्वल वो अपना, है क़िबला अव्वल वो अपना, गजा के मुजाहिद का कहना है क़िबला अव्वल वो अपना, उसके लिए हमको है मरना, उसके लिए हमको है मरना, ना जायज है वरना जीना, हमास के दिल का ये ख्वाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, कसम कसम मैं नहीं खाता बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत मजा
मजा आ रहा है, बहुत सुकून से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। हाजिर कर देता हूँ समाज पर, बहुत शुक्रिया बड़े भाई, हाजिर कर देता हूँ। एक बंद और पहुंचा रहा हूँ। कुराने पाक को हर सदी में मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उन जाहिलों को नहीं मालूम कि खुद अल्लाह कह रहा है, कुराने पाक के अंदर ही कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ऐसे हजारों नहीं करोड़ों वसीम रिज़वी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुराने पाक का एक नुक्ता भी क़यामत तक न बदला है न बदलेगा इंशाअल्लाह। वफ़ाद इकराम की मैं ख़ुसूसी दुआएं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। के कुरान जो दिल में बसाएगा, कुरान जो दिल में बसाएगा, कुरान जो दिल में बसाएगा, वो दस को बहेश्त दिलाएगा। फाज़े इकराम थोड़ा सा आप लोग हाथ उठाकर बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। कुरान जो दिल में बसाएगा वो दस को बहेश्त दिलाएगा, और इससे जो टकराएगा, और इससे जो टकराएगा, कुत्ते की मौत वो पाएगा, कुत्ते की मौत वो पाएगा। क्यों? कुरान ही ऐसी किताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, बहुत अच्छे बाबा है। मैं क्या कहना सदाजी साहब, और बंदा अब तक पहुंचा रहा हूं, हाजिर खिदमत कर रहा हूं बतौर खास, एक एक शख्स जुड़कर सुन रहा है। ये जो कुछ हमारे वीवीआईपी हजरत हैं, चेयरमैन साहब लोग कुर्सियों पर बैठने के बाद भाई अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन आप लोग आयतल कुर्सी वाले हैं, अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो थोड़ा सा शरीक हो जाइए एक मरतबा। सिर्फ कुर्सी वाले लोग बोले सुभान अल्लाह, बोलना पड़ेगा भाई, ये सिर्फ सामने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, आस पड़ोस वाले भी बैठे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं। एक बंदा आप तक और पहुंचा रहा हूं, पेश कर रहा हूं बतौर खास समाज। वही अफजल है, वही बेहतर है, वही अफजल है, वही बेहतर है, वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में घर के अंदर है, वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में घर के अंदर है। असहाब में पहला नंबर है, असहाब में पहला नंबर है, जिबरील से भी वो पढ़ कर है, जिबरील से भी वो पढ़ कर है, सिद्दीक उसी का खिताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया सद आजमी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत संबंध और आप तक पहुंचा रहा हूं, हाजिर कर देता हूं समाज, फरमा ले जी आता हूं। के तूफान का रास्ता मोड़ दिया, तूफान का रास्ता मोड़ दिया, तूफान का रास्ता मोड़ दिया, जो आंखें उठी उसे फोड़ दिया। थोड़ा सा शरीक होइए एक मतलब, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। के तूफान का रास्ता मोड़ दिया, जो आंखें उठी उसे फोड़ दिया, दरवाजे खैबर तोड़ दिया, दरवाजे खैबर तोड़ दिया, दरवाजे खैबर तोड़ दिया, मुरहब का पंजा मरोड़ दिया, मुरहब का पंजा मरोड़ दिया, वो शेर खुदा बूत राब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे अपनी माँ के हवाले से, आप सबकी माओं को अपने जहन में रखता हूँ, नौजवान नस्ल आप सबके हवाले चार चार मिसरों का सहारा लेकर। बतौर खास पेश कर रहा हूँ समाज, फरमा ले। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? सभी लोग माशाल्लाह। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं?
क्या भाई मशकूक तो नहीं है आप सब ना? सच्ची मोहब्बत माँ से करते हैं ना, किसी और मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना नौजवान। बस चार मिसरे पढ़ता हूँ। अगर एक मैसेज मुबारक पूरा दुल्हन के इस खूबसूरत डाइस से, कामिल आजमी हाशिम भाई के इस खूबसूरत प्रोग्राम से कोई मैसेज नौजवानों आप तक पहुँच जाए और आपने अमल कर लिया तो आज का ये मुशायरा कराना कामयाब है। असद भाई, जब आप चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, जब आपने कहा कि किसी और मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, बहुत सारे नौजवान बेदार हो गए। मुझे उम्मीद है ये सारे मैसेंजर और व्हाट्सएप पे ब्लॉक दिल जले लोग हैं। बहुत अच्छे असद आजमी, पेश कर रहा हूँ चार मिसरे समाज। फरमा ले के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का। शरीक होना नौजवानों के लिए मैसेज है, हमारे बुजुर्गों के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि बेचारे वो व्हाट्सएप पे है ही नहीं है। बाकी भाई हैं सब, बाकी भाई भी सब, बाकी भाई भी बुलाते हैं। नौजवानों आप सब शरीक होना के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी। वाह 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 वाह, आपकी जुर्रत को सलाम। वाह 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 वाह, देखिए नाते पाक आप सबने बहुत अच्छा सुना। अब जहां पर इनको ताईद करना था तो मुबारकपुर की जमीन पर इन लोगों ने ताईद कर दिया कि आपने सच कहा है, और नौजवानों के लिए खूबसूरत सा मैसेज था कि आप लोग आज के बाद इन शेरों पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, क्या कभी बेवफा नहीं होती। बहुत अच्छे असद आजमी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूँ। जब आपसे कोई पूछे कि प्यार किसको कहते हैं तो उनको ये चार मिसरे सुना दीजिए। हाजिर करता हूँ समाज। फरमाए के मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, क्या कहना मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कहा गज़ब बस लफ्ज माँ लिख दिया, मैंने कहा गज़ब बस लफ्ज माँ लिख दिया, मैंने कहा गज़ब बस लफ्ज माँ लिख दिया। बहुत शुक्रिया। आइए मैं खूबसूरती से यहाँ से नाते पाक का मुकम्मल मतलब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाय नायत हो पूरे हिंदुस्तान में, जिसे बहुत मकबूल तरीके से सुना जाता है, बड़ी मोहब्बतों से लोग सुनते हैं। मैं आज पूरा दुल्हन की सरजमीन मुबारकपुर में पढ़कर देखता हूं कि आप मुझे किस तरह सुनते हैं उस नाते पाक को। पेश कर रहा हूं यहां से खूबसूरती से मतलब हाजिर कर देता हूं। अब पूरी आजादी है कि आप सब बोल सकते हैं, आप सब नारे लगा सकते हैं, और बाकी भाई को पूरी इजाजत है कि आप जैसे चाहें वैसे दाद दे सकते हैं। मतला हाजिर कर देता हूँ समाज। फरमा ले के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ़ो सनाए शेगे अबरार में घर लहजा को घर बार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ़ो सनाए शेगे अबरार में घर लहजा को घर बार, वरना वो सैयद अली
नसबी हाँ वही उम्मी लकबी हाशमी ओ मुत्तलबी वो अरबी वो करशी वो मदनी और कहा हम सगुन है गार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार जो नजर आए कहीं जलवाए रूवेश है अबरार आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर गो मुतागर गो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला गो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूवेश है अबरार जिनके कदमों की चमक वो देखिए पीछे मौलाना मुस्कुरा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोल दो मेरी जान सुभान अल्लाह थोड़ा सा बोलेंगे तो मजा आएगा। इस नाते पाक को पढ़ने के लिए मुझे पूरा मिजाज बनाना पड़ता है। आपका जब मिजाज मूड से बन जाता है ना तो फिर मैं कितनी देर पढ़ लेता हूँ मैं खुद नहीं जानता। पेश कर रहा हूँ यहाँ से कि जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से शरीफ हो जाइए पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए पूरी दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। मैं यहाँ खड़ा होकर नाते पाक पढ़ रहा हूँ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। बंद हाजिर कर देता हूँ समाज फरमाए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहाँ तुम्हारे लिए दहन में जबा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक समा ओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया सुबह गुवे खुद को फेर दिया दुबे गुवे दिन को मसर किया ये तब तबा तुम्हारे लिए न रूह जमी न अर्श बनी न लहे मुबी कहीं भी कोई ये खबर ही नहीं जो रंद खुली असर की निगाह तुम्हारे लिए साहब करम जमाना जिए के अब हम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए वो अशरफिया तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे वाले नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाह नौजवानी पूरा मुबारक जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह हु अकबर आजाद बाहुली जिंदाबाद आजाद बाहुली जिंदाबाद जिंदाबाद हाय 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 बहुत अच्छे असर भाई। मैं तो सोचा बाकी भाई 12 बजे के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं लेकिन अभी चार्जिंग बची है आपके अंदर। तैयार है पूरा दुल्हन सुनने के लिए फिर इस बंद को पेश करूं पूरा मन में एक मरतबा हाथ उड़ाकर बोले सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जमा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठेंगे वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक समा ओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया सुबह गुवे खुर को फेर दिया दुबे गुवे दिन को वसर किया ये तब तबा तुम्हारे लिए न रूखे जमी न अर्श भरी न लोहे मुबी कहीं भी कोई खबर की नहीं जो लम्बे खुली अजर की नहीं तुम्हारे लिए साहबे करम जमाना चाहिए एक आबे ने आम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए वो अशरफिया बहुत अच्छे के वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हाय 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 पूरा मजमा क्या बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पूरा मजमा क्या बोलेगा जो नहीं बोलेगा वो अपने ईमान का मुहासिबा करे
जो नहीं बोलेगा वो अपने ईमान का मुहासिबा करे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान, पूरा मुल्ला बताए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, मोहम्मद हमारे। जो नहीं बोलेगा अपने ईमान का मुहासिबा कर ले, आप कटघड़े में खड़े हो सकते हैं। बंद हाजिर करता हूँ, सुने कि जब घुसने दाऊ ने कहा जलवा नुमा, जब घुसने दाऊ ने कहा जलवा नुमा, जब घुसने दाऊ ने कहा जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब घुसने दाऊ ने कहा जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब घुसने दाऊ ने कहा जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के, दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग 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 जगमग, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे, दुनिया की गुलामों का ये आलम है। सरदार का आलम क्या होगा। कहिए मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं क्या कहना असद आजमी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या माहौल बनाया, मैं जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों की, मैं मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। कुछ लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे लग रहा हो खतरनाक सपना देख रहे हो, अचानक किसी ने उन्हें जगा दिया हो। आपकी आंखों में नींद भले है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग आप सब, इसलिए आप सब मेरा साथ दे रहे हैं और मेरा साथ दे भी रहे हैं माशाल्लाह, और पढ़ भी रहे हैं। मोहम्मद हमारे, एक बार ज़ियारत को आका, एक बार ज़ियारत को आका तैबा में मुझे बुलवा लेना। एक बार ज़ियारत को आका तैबा में मुझे बुलवा लेना। पुरनूर व रहमत का गुम्बद इन आँखों से दिखला देना, इन आँखों से दिखला देना। गठरी है गुनाहों की सर पर, नेकी का सहारा क्या करना। हम जैसे गुनाहगारों को तुम काली कमली में छुपा लेना। क्या होगा, क्या होगा कयामत कालम, सब होंगे प्यासे महशर में, उस रोज मुबारक हाथों से कौसर का जाम पिला देना। कहिए मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, वाह देखिए ये मोहब्बत मुबारकपुर वाले आपसे। असद भाई से कहना चाहता हूँ कि रात से शिकायत क्या, बस तुम्हें से कहना है तुम जरा ठहर जाओ, रात कब ठहरती है। यकीनन आप सबके की फरमाइशों का एहतराम किया जाएगा। आज का ये मुशायरा बड़ी कामयाबी के साथ जनाब मौलाना फहीम अख्तर साहब की सदारत में बड़ा कामयाब हो रहा है। ये महफिल बड़ी यादगारी और तारीखी हो रही है। ये यकीनन मौलाना फहीम साहब की सदारत की बरकत है कि मुशायरा बड़ा खूबसूरत हो रहा है। लीजिए आप सबकी फरमाइश पर जनाब असद आजमी एक बार फिर माइक पे तशरीफ ला चुके हैं। मैं जा नहीं रहा था, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, बस देख रहा था ये सब क्या करना चाह रहे हैं। कर दिया आपने, अब मुझे दो कलाम पढ़ना है, दो कलाम पढ़ना है। और उन दो कलाम में जो सबसे पहला कलाम है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको पहले आप तक पहुँचाई दूँ खूबसूरती से, उसका मतलब आपकी जहीन समातों के हवाले पेश कर देता हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ। हाँ अरशद मदनी वाला साहब का जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
उससे कबल चाह रहा हूँ कि एक नज्म जिसको पूरी दुनिया ने सुना और पूरी दुनिया तड़प रही थी, हम ईद मना रहे थे, हम खुशियां मना रहे थे, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की आहें हम तक नहीं पहुंच रही थी, पूरी दुनिया का मुसलमान ईद मना रहा था और वहां के मासूम बच्चे तड़प रहे थे, मासूम बच्चों के सामने उनकी माओं का कत्ल किया जा रहा था, माओं के सामने उनके मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा था। मैं यहीं से आप तक पहुंचा रहा हूं, एक खूबसूरत सा मतला हाजिर कर देता हूं, समाज फरमा ले। महेशर का समा है गजाओ में, क्या कहना, महेशर का समा है गजाओ में, बस आओ फुगा है गजाओ में, बस आओ फुगा है गजाओ में, करबल के नजारे हो जैसे मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। अब यहां से नौजवानों आप सब मुझे पूरा बंद पढ़ूंगा, कुछ मत बोलिएगा, लेकिन आखिरी का जब बंद पढ़ूं तो उसमें आप सब बस सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, वो शेर पर बोलिएगा, उन मासूम बच्चों की तड़प पर बिल्कुल मत बोलिएगा, आपसे उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जो शहीद हो गए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहीं से बंद हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए कि किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफा, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक्सा, अब कौन सुने ये दर्दो आलम, अब कौन सुने ये दर्दो आलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, तुम ईद मनाओ अच्छे से, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम, तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना। क्या तस्वीर कशी है, क्या मंजर कशी है, क्या गमनाक माहौल है, बहुत अच्छे असर। बहुत शुक्रिया। एक बंदा और पढ़ रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, समाज फरमा ले। तुम लोग गले लग कर हंसना, तुम लोग गले लग कर हंसना, देखिएगा बाकी भाई तड़प होती है दिल की ना, तो वही नक्शकल हजर कर जाती है। अल्लाह उन मासूम बच्चों की जो फरियादें चीख पुकार कर पूरी दुनिया से कह रहे थे, लेकिन वाह रे मुसलमान, हाजिर करता हूँ ये बंद सुने। तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, तुम लौटना अपने अपने घर, तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे, सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे, तुम लोग मजे में जी लेना, हम तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, तुम लोग दुआ ही करना बस। क्या कहना, क्या कहना,
तुम लोग दुआई करना बस, वो मस्जिद अक्सा ढा देंगे। सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, हम लोग मनाएंगे कैसे। एक फरमाइश हुई है कामिल भाई की, असद भाई माँ वाली, माँ वाली नज़्म की फरमाइश तौसीफ अख्तर उर्फ गुड्डू भाई ने की है। माँ वाली मेरी जी, कुंवर भाई बहुत सारी नज़्में जी, माँ वाली नज़्म आप जरूर पढ़ें, ये कई सारे लोगों की फरमाइश मुझ तक आई। कौन सी माँ वाली याद आता है जो आपको बड़ा मशहूर कलाम? मेरी माँ के इंतकाल के 3 से 4 दिन के बाद वो कलाम पढ़ा था। जी जी जी, वही कलाम आप पेश करें। किस किस की माँ इस दुनिया से गुजर चुकी है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है वो जरा सा हाथ उठाए। महसूस करने वाले लोग 3, 4, 5 हैं, जिनकी माएं हैं अल्लाह उनकी माओं को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुशकिस्मत माएं हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं। लेकिन जब आपकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी, रात के 3 बजे 4 बजे प्रोग्राम देखकर जब आप अपने घर लौटेंगे ना, तो जो दरवाजा सिर्फ कुंडी खटखटाने पर एक मर्तबा में यानी मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर खुल जाता है ना, जब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी तो वही दरवाजा 20 मिनट के बाद खुलेगा। बिल्कुल, आप इस चीज का एहसास जब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी तब करेंगे। वो मुझसे पूछिए, मेरे दिल से पूछिए। पेश करता हूँ यही से अपनी माँ को, अपने जहन में रखता हूँ, और आप सबकी माओं को अल्लाह सलामत रखे। मदला हाजिर करता हूँ, नौजवानों सुने। याद आता है अम्मा अब, याद आता है अम्मा अब, वो प्यार से समझाना। याद आता है अम्मा अब, वो प्यार से समझाना। अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना। याद आता है अम्मा अब, रोती है मेरी बहने, रोते हैं मेरे अबू, रोती है मेरी बहने, रोते हैं मेरे अबू। भाई का जग आलम, दुनिया से तेरा जाना। याद आता है अम्मा अब, और ये भी बंद हाजिर करता हूँ, अपने दिल का दर्द आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी इरशाद अली, मैं कैसे लगाया हूँ, मैं कैसे कांधा तेरे लाश को, मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाश को, लेकर के तुम्हें जाना वो कब्र में दफनाना। याद आता है अम्मा अब, अम्मा तेरी हर दम बस, दिल में है बसी उल्फत, वो प्यार से समझाना, वो प्यार से सहलाना। सुभान अल्लाह। याद आता है अम्मा अब,